देखिए, कांग्रेस नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी की बुधवार की शाम एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेने के ठीक बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उनकी पत्नी का कहना है कि उनके आखिरी शब्द थे, इन लोगों ने मुझे मार दिया। उनकी पत्नी ने कहा कि वो डिबेट देख रही थी क्योंकि वो डिबेट के बाद अपने पति को फीडबैक देती थी, लेकिन उस दिन जब वो डिबेट के बाद राजीव त्यागी के कमरे में गई तो उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 3-4 बार उसने जैसन जैसन बोला, सुनने का ट्रेन लेकिन मुझे ये लगा था कि मेरा पति इतना स्ट्रांग है कि वो इसको मतलब कर लेंगे, फेस कर लेंगे, क्योंकि हमेशा समय पास करके ऊपर डॉमिनेट ही किया। मैं तो डिबेट हमेशा कभी, मैंने आपसे क्या रिकॉर्ड है, मेरा डिबेट छोड़ ही नहीं थी, सारे काम छोड़ के सिर्फ डिबेट देखती थी, इसलिए कि क्योंकि मैं ही सबसे पहले बताती थी कहाँ पे क्या सही है, कहाँ क्या गलत है। पानी भी 2-3 बार पिया उन्होंने, तो पानी नॉर्मली पी लेते हैं, कभी कहीं लेट रहा, कभी कहीं ना। मेरा चार बस पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आधा हमेशा लेट जाती थी रूम में कि अपने को नॉर्मल कर लें, या कई बार फीडबैक वगैरह लेते थे कि कैसी मेरी डिबेट रही। कल मैं एकदम पहुंच गई, देखा कि वो पैंट का बटन खोला हुआ था और सिर पे दिख रहे थे। क्या वो पसीना वगैरह आ रहा था? हाँ, वाइट थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेद बनना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा मेरा ना बीपी वो हो रहा है, फटाफट मैंने बीपी चेक के लिए डॉक्टर को बुलाया। हाँ, एक बात मुझे और बोलनी है, मैं उसे तो भी मिलना चाह रहा था। अगर आप हो सकता है तो आप ठीक है, जो हो गया हमारा लॉस तो हो गया जी, जी है ना, और हमें तो चाहिए भी नहीं, वो तो पूरा नहीं होगा। लेकिन लास्ट सेंटेंस मेरे हस्बैंड का यही था, पहले उन्होंने गाली दी थी इन लोगों को, और फिर ये बोला कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये मैंने प्रियंका गांधी जी को भी बताया कभी ये बात, कि उनका ये लास्ट सेंटेंस था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया।